आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पे काइंड मास्टर ओपन करते हैं, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जब भी आप एडिट करते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मीडिया फाइल आती है, जो भी वीडियो है, फोटो है, वो आपको दिखाई नहीं देता, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख कर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बोलता है द ओरिजिनल फाइल फॉर दिस क्लिप इज मिसिंग, इफ़ यू रीनेम और Removed the file, please put it back. Alternatively, you may delete the clip. ऐसा बोलता है। यानी गाइज अगर आपने यहाँ पर जो भी वीडियो है ये या फिर फोटो है, अगर आप इसे रीनेम करते हैं गैलरी में से या फिर फाइल मैनेजर में से या फिर आप मूव करते हैं, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आपको गाइज वही लोकेशन पर रखना होगा फाइल्स को जब आपने काइंड मास्टर में लिया है ये, आपको वही लोकेशन पर रखना होगा। अगर आपने मूव किया है तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपने रीनेम किया है तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर आपने डिलीट किया है इस वीडियो को, फ़ोटो को, तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने डिलीट किया है तो यहाँ पर से तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर भी डिलीट कर देना होगा। और अगर आपने मूव किया है गैलरी में से किसी दूसरी जगह, तो आपको फिर से डबल से क्लिप लेना पड़ेगा इसे डिलीट करके, तो इसे आपको डिलीट कर देना होगा और वही क्लिप वो लोकेशन से लेना होगा जो आपने रखा है, जहाँ पर रखा है आपने उस लोकेशन से लेना होगा। तो यही होता है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपका समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।